अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान जिला के हसनपुरा प्रखंड के अरंडा महादलित बस्ती में दर्जनों उपभोक्ताओं ने गुरुवार की दोपहर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले दो दिनों से उनके गांव का ट्रांसफार्मर जल गया है, मगर विभाग के कोई भी अधिकारी और मैकेनिकल उनका कॉल नहीं उठा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर जल्द से जल्द उनके गांव का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो बारिश की वजह से 6 महीने तक महादलित बस्ती का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां ट्रांसफार्मर लगाने में दिक्कत हो सकती है। सरकारी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि उनके यहाँ बरसात के दिनों में रात्रि के समय अनेक प्रकार के कीड़े निकलते रहते हैं, जिससे उन्हें जान का खतरा बना रहता है। अब इस बीच अचानक ट्रांसफार्मर के जल जाने से उन्हें काफी परेशानियां दिखाई पड़ रही है। इधर पिछले दो दिनों से जले ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग को लेकर अरंडा महादलित बस्ती के उपभोक्ताओं ने गांव में ही विरोध प्रदर्शन किया, बिजली विभाग को जमकर कोसा और 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर न बदले जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। लोगों ने कहा कि गांव में बिजली की आपूर्ति नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है, लोगों को पेयजल की किल्लत हो रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार 24 घंटे के अंदर जला ट्रांसफार्मर बदल दिए जाने का फरमान जारी किया है, लेकिन विभागीय अधिकारी आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। दो दिन पूर्व ही ट्रांसफार्मर के जलने की सूचना विभाग को दी जा चुकी है, इसके बावजूद ट्रांसफार्मर लगाने में टाल मटोल किया जा रहा है। सूचना के बाद भी बिजली विभाग के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गई है, न ही अधिकारी फोन उठा रहे हैं। बरसात के मौसम में अंधेरे व उमस भरी गर्मी में रात गुजारनी पड़ रही है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी कि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो उपभोक्ता सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। क्या मामला है? मामला यही है कि ट्रांसफार्मर जल गया है, मिस्त्री को फोन करने से मिस्त्री फोन नहीं उठा रहा है, और जो भी पदाधिकारी हैं सबके पास फोन किया गया है लेकिन कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा है। और यह जगह ऐसा है कि अगर आज कॉल में न लगे तो यह बहुत डाउन जगह है, यहाँ जो पानी लगेगा तो 6 महीना तक यहाँ का पानी का निकास नहीं है। तो यही जरूरी है कि जितना जल्द हो सके यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाए, नहीं तो 6 महीना तक यहाँ फिर ट्रांसफार्मर लगाने की जगह नहीं है। अपना परिचय बता दीजिए। परिचय, मेरा नाम रविंद्र पांडे, अरंडा। दिक्कत है कौन से ट्रांसफार्मर जर गया, ठीक है, कोई सारे पदाधिकारियों के पास फोन करने पर कोई पदाधिकारी फोन नहीं उठा रहा है, यहाँ तक मिस्त्री भी बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लग जाएगा, अभी तक इसका कोई सुझाव नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द लग जाए, और यहाँ पर बहुत काफी जल जमा होता है, जिसके कारण 6 माह तक यहाँ पर जल जमा होता है और निकासी का थोड़ा दिक्कत है। इसलिए हम चाहते हैं कि सबके भी का ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द लगे। नाम बता दीजिए अपना। लालू कुमार, ग्राम पोस्ट अरंडा, डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार। दिक्कत हुआ है हम लोग का, ट्रांसफार्मर कल से खराब हो गया है, जल गया है। हम लोग मिस्त्री के पास फोन किए तो बोले क्या ट्रांसफार्मर जल गया, लेकिन कल से एसडीओ के पास, जेई के पास फोन कर रहे हैं, कोई रिसीव नहीं कर रहा है। अभी भी हम लोग फोन लगाए थे तो बोल रहे हैं लोग के मिस्त्री को भेज रहे हैं, हम लोग को यहाँ 100 के बी के मांग कर रहे हैं। अगर ट्रांसफार्मर आज कल में नहीं लगता है तो क्या रास्ता के लेके क्या ये है? हम लोग को ट्रांसफार्मर कल तक नहीं लगेगा तो यहाँ पर हम लोग को पानी जन जलाव है, जो डमटोली के पास है वहाँ पर जन जलाव है, हम लोग की गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकती है। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है।
सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।